बन सकता है। हाय मेरे दोस्तों, क्या आप हमारे साथ समय के पीछे जाने के लिए तैयार हैं? हम सब मिलकर डायनासोर के जमाने में जाएंगे। डायनासोर! वहाँ पर अलग अलग प्रकार के डायनासोर होंगे और हम उन सब की जांच करेंगे। वो उड़ते भी हैं। हम पहुंच गए डायनासोर के जमाने में। देखो। तो वेलोसिराप्टर्स हैं। वेलोसिराप्टर्स छोटे पर खतरनाक डायनासोर हैं। ओ, बाल बाल बच्चे, ओ, गड़बड़ हो जाती। शुक्रिया मॉफल। मॉफल, जल्दी से एक गैलिमाइमस बन जाओ। वाओ। गैलिमाइमस दूसरे डायनासोर से काफी तेज दौड़ता है। बहुत अच्छे मॉर्फल। वहाँ पर देखो, उनका नाम अर्जेंटिनोसॉरस है। वो बहुत बड़े हैं, पर सिर्फ पौधे और पेड़ खाते हैं। अरे नहीं, हमें उस अंडे को बचाना होगा। मॉर्फो, तुम अब एक टेरेनोडॉन बन जाओ। तुमने कर दिखाया मॉर्फो, अब हमें इस अंडे की माँ को ढूंढना होगा। ये किसी अर्जेंटिनोसॉरस के अंडे जैसा नहीं लग रहा। नहीं, देखिए, अर्जेंटिनोसॉरस के अंडे वैसे दिखते हैं। चलो खोज जारी रखो। एक ट्राइसेरोटॉप्स। ट्राइसेरोटॉप्स के सिर पर तीन नुकीले सींग होते हैं। कितना प्यारा है, पर देखो हमारा अंडा उनके अंडों से अलग है ना? तो ये अंडा ट्राइसेरोटॉप्स का अंडा नहीं है, मजेदार है। अरे, एक असली टेरानोडॉन, और वो हमें अपने अंडों से दूर करना चाहती है। हमारा अंडा टेरेनोडॉन के अंडों जैसा नहीं दिख रहा है। चलो जल्दी से उड़ चलें। वो दोनों अंकिलोसॉरसस हैं। वो अपनी पूंछ से किसी भी चीज को बड़ी जोर से मार सकते हैं। टूटे हुए अंडे को देखो, हमारा अंडा उससे भी अलग है। देखो, एक मगरमच्छ। हाँ, डायनासोर्स के जमाने में मगरमच्छ कैसे हो सकते हैं? मगरमच्छ लाखों सालों से इस धरती पर जी रहे हैं और वो डायनासोर्स के जमाने में भी जिंदा थे। वाह, पर देखिए, हमारा अंडा मगरमच्छ के अंडों से भी अलग दिख रहा है। ओह, शायद हम इस अंडे की माँ को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वाह, एक स्पाइनोसॉरस।
वो हमें खाना चाहती है, भागो। मॉर्फ, तुम एक टी-रेक्स बन जाओ। एक स्पाइनोसॉर टी-रेक्स से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। नहीं लगता कि उसे हमें खाना है, पर फिर उसे क्या चाहिए? समझ गई, उसे ये अंडा चाहिए। ये स्पाइनोसॉर इस अंडे की माँ है। ओ, हम बच गए। तुमने अच्छा काम किया, मिला। अरे अरे संभल कर मॉर्फल, टेलीफॉक्स को जादुई जानवरों की सर्दी हुई है, तो तुम्हें कुछ समय तक दूर ही रहना होगा। बचाओ! क्या आपको सर्दी नहीं होगी? ये बीमारी सिर्फ जादुई जानवरों को होती है। मैं और टेलीफॉक्स घर पर रहेंगे ही, ताकि दूसरे जादुई जानवर बीमार ना हो। खेलोगे कैसे? चिंता मत करो, हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं, है ना टेलीफॉक्स? देखो अब यहाँ पर क्या हुआ। लगता है क्रोमा को भी जादुई जानवरों की सर्दी है। दूरी बनाए रखना मॉर्फ। हाय मिस्टर पेंटर। हाय क्रोमा, शायद तुम्हें भी जादुई जानवरों की सर्दी हुई है। अच्छा तो ये बात है, क्रोमा तब से छींक रही है जब से उसके सामने एक बड़ा बुलबुला फूटा है। जब तक तुम ठीक ना हो जाओ, तुम्हें घर पर ही रहना होगा, ताकि दूसरे जादुई जानवर बीमार ना हो जाएं। हम घर पे भी खेल सकते हैं। सोचो हम कितनी तस्वीरें बनाएंगे। मिलो, देखो एक बड़ा बुलबुला। चलो पता करें वो कहाँ से आया। वाओ! बिल्डर लॉरेंस, आपको अनीमी को घर ले जाना चाहिए, उसे जादुई जानवरों की सर्दी हुई है। अरे नहीं, ये जरूर उस बड़े बुलबुले की वजह से बीमार हुई है। चलो तुम्हें घर जाके तुम्हारी देखभाल करूं एनिमी। और बुलबुले, चलो पता करें ये कहां से आ रहे हैं मॉर्फ। देखो मॉर्फ, वहां बोबा है। बोबा के बुलबुले। बोबा, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। मुझे लगता है बोबा को घर नहीं जाना। चलो उसका पीछा करें मॉर्फल। मॉर्फल ठीक है, मॉर्फल को कुछ भी। चू चू। ओ, क्या तुम अब भी उसका पीछा कर सकते हो मॉर्फल? हाँ। अच्छा।
तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम्हें घर जाना होगा बोबा। अगर तुम बीमार होकर बाहर खेलोगे तो दूसरे जादुई जानवरों को बीमार कर दोगे। मॉर्फो को ही देख लो। अच्छा। और हम घर पर रहकर भी खेल सकते हैं, है ना मॉर्फो? हाँ। देखा बोबा, घर पर खेलने में भी मजा आता है। अच्छू। शायद केनेथ को डॉक्टर की जरूरत है। मॉर्फल, जल्दी से एक एम्बुलेंस बन जाओ। हम आपको अभी हॉस्पिटल पहुंचा देंगे ज़ूकीपर केनेथ। ओह, शुक्रिया मिला। ये क्या हो गया? लगता है बहुत ज्यादा चोट आई है तुम्हें। चलो जल्दी मेरे साथ आओ। ये सैंडविच खराब हो चुका है। आप ठीक तो है ना मिस्टर मेयर? हाँ, ठीक तो हूँ, पर ओह, ठीक नहीं हूँ। चलो इन्हें भी डॉक्टर के पास ले चलते हैं मॉर्फल। एक बार फिर से एम्बुलेंस बन जाओ। केनेथ को बहुत आराम की जरूरत है, इसलिए गाड़ी जरा संभल कर चलाना, ठीक है? अगर मैं गलत नहीं हूँ, मिर्ची ज्यादा खा ली है ना? सैंडविच खराब था। चलिए अंदर, अभी ठीक हो जाएंगे आप। लोग छुप जाओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बहुत आसान था। मुझसे रहा नहीं गया, मुझे खुजली हो रही है। माफ, मुझे लगता है तुम्हें फिर से एम्बुलेंस बनना पड़ेगा। ठीक है। और अब से प्लीज कुछ भी खाते हुए जरा ध्यान रखिएगा। ये लो, कोई और आ गया। आज कुछ ज्यादा ही पेशेंट आ रहे हैं। सच में बहुत खुजली हो रही है। देख रहा हूँ, लगता है किसी चीज से एलर्जी हुई है तुम्हें। मेरे साथ आओ, इसके लिए मेरे पास एक क्रीम है। लगता है दूसरों की मदद करने वाले को खुद की मदद की जरूरत पड़ गई। अब ठीक लग रहा है? हाँ। च,
जब तक जू की मरम्मत हो रही है, इन डरावने जानवरों की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं कैनेथ, एक बार पहचान हो जाए तो वो इतने डरावने नहीं लगते। मॉर्फल, तुम एक बड़े से ट्रक बन जाओ। देखा, इन्होंने इस जगह को अपना लिया। क्या ये लोग पूरी तरह से पागल हो गए? बल्कि इतने डरावने जानवर ऐसे ही अपने आंगन में नहीं रख सकते, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन्हें ये बात समझाने के लिए सबक सिखाना होगा। यहाँ क्या हो रहा है? तुम क्यों झगड़ रहे हो? चलो ठीक है। Hey, बंद करो ये सब। जानवरों को यहाँ लाकर गलती कर दी डैडी। हाँ, शायद तुम सही हो। अगर इन्होंने फिर झगड़ा किया तो हम इन्हें केनेथ के पास ज़ू में लौटा देंगे। चलो इन्हें खाना खिलाए, शायद इन्हें भूख लगी हो। क्या कर लोगे तुम बुद्धू जानवर? नहीं नहीं, बचाओ बार्की, मेरे लिए रुको बार्की। अरे नहीं, हमें उन्हें बचाना होगा मॉर्फल। तुम एक हेलीकॉप्टर बन जाओ। ठीक है, तुम एक पिंजरे वाला ट्रक बन जाओ मॉर्फल। ऐसे बुरे काम क्यों कर रहे हो बताओ? क्योंकि वो बहुत बुरे जानवर हैं। आखिर मैं जीत ही गया। अरे रुक जाइए, क्या आप ही इन्हें इतने समय से परेशान कर रहे थे? तो क्या, ये खतरनाक जानवर है। तस्वीर है मॉर्फल, पर तुम उसकी पूंछ भूल गए। टीरेक्स के पास पूंछ? और मुझे याद नहीं आ रहा कि टेरोडैक्टिल कैसा दिखता है। हमें डायनासोर के समय में जाकर उनके बारे में सीखना चाहिए। हाँ। समय भाई, क्या आप हमें डायनासोर के समय में भेज सकते हैं? Thank you.
ठीक है, तो क्यों ना हम डायनासोर की तस्वीर खींचें? मॉर्फल, तुम एक फोटोग्राफर सोरस बन जाओ। मिला तस्वीर। बढ़िया। देखो मॉर्फल, टेरोडैक्टिल। उसकी चोंच लंबी और पंख ग्रे है, और हेलीकॉप्टर का पंखा। वाह, वो बड़ा अजीब डायनासोर था। देखो मॉर्फल, एक टी-रेक्स। टी-रेक्स बहुत बड़े होते हैं और उनके दांत भी, और रोलर स्केट्स। मैंने कभी किसी डायनासोर को ये करते हुए नहीं देखा। खैर, चलो हम दूसरे डायनासोर को ढूंढें मॉर्फल। देखो मॉर्फल, ये अर्जेंटिनोसॉरस है। कितना बड़ा है। हाँ मॉर्फल, ये बहुत बड़े होते हैं और इनकी गर्दन भी लंबी होती है। देखो मॉर्फल, वो अपनी गर्दन से उस पत्ते तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है? क्या तुमने भी वो हंसी सुनी मॉर्फल? हाँ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, चलो उस अर्जेंटिनोसॉरस का पीछा करें। वाला टेरोडैक्टिल, वो स्केटिंग करने वाला टी-रेक्स। फिक्र मत करो, इस वजह से हमारे पास बढ़िया तस्वीरें हैं। क्या तुम देखना चाहोगे? शुक्रिया मॉर्फल, शहर के सुपर हीरो। मॉर्फल भी सुपर हीरो बनेगा। मॉर्फल, अरे नहीं, हमें उन्हें बचाना होगा। मॉर्फल भी सुपर हीरो। शुक्रिया मॉर्फल। बचाओ। नहीं, मेरे शहर में नहीं। चलो हम टाइगर को जू में ले जाते हैं। ठीक है। फिर जल्दी मॉर्फल, उस टाइगर को वहाँ से निकालना होगा।
वाह, जरा देखो तो वो क्या है? एक मीटियोर। मॉर्फल मीटियोर को रोकेगा। अब वो मीटियोर शहर की तरफ गिर रहा है। अरे नहीं, मीटियोर को रोको मॉर्फल। अच्छा काम किया मॉर्फल, तुमने मीटियोर को रोक लिया। तुम एक असली सुपर हीरो हो मॉर्फल। नहीं, मॉर्फल को इस जाल में फंसाने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। बचाओ, बचाओ! तुमने सुना? हमें उन्हें बचाना होगा। मॉर्फल सुपर हीरो बचाएगा। मॉर्फल रुको, वहाँ जाल है। मॉर्फल बचाएगा। हमने तुम्हें पकड़ लिया मॉर्फल। रुको, वो मॉर्फल नहीं है, वो ऑर्फल है। ये रहा मॉर्फल। ऑर्फल, क्या तुम ऑफिसर फ्रीज को ले आओगे ताकि वो इन्हें गिरफ्तार कर सके? तुम ये क्या? ओ बदमाश! थैंक यू ऑर्फल। हमें बचाने के लिए शुक्रिया ऑर्फल। तुम एक असली सुपर हीरो हो। क्या तुम हमारे साथ ट्रिक और ट्रीट के लिए चलोगी फीबी? सॉरी दोस्तों, पर मॉम मुझे कभी हैलोवीन पर नहीं जाने देती। चलो अंदर आ जाओ। ये तो गलत बात है। चलो हम चले मॉर्फल। सॉरी फीबी, पर तुम एक चुड़ैल हो और पता है ना हैलोवीन पर सूरज ढलने के बाद चुड़ैलों के साथ क्या होता है? सारी चुड़ैल शैतान बन जाती है। हाँ बिल्कुल, वैसे इस कहानी को मानता कौन है? बाय बाय और शुक्रिया। वाह, जरा इस कैंडी को तो देखो। काश फीबी भी हमारे साथ आ पाती। वाह मॉर्फल, ये तो एक बहुत ही अच्छा कॉस्ट्यूम था। तुम्हें क्या लगता है? मॉर्फल ज्यादा डरावना। हाँ? कॉस्ट्यूम? नहीं, ये कॉस्ट्यूम नहीं हो सकते। अरे नहीं, हमें पता करना होगा कि ये क्या हो रहा है मॉर्फल। जल्दी से एक बड़े से स्पाइडर में बदल जाओ और कैंडी का पीछा करो। Thank you.
फीबी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं, बहुत ठीक हूँ। मैंने सोने की दवाई नहीं ली है और अब हैलोवीन की रात ने मुझे बना दिया है शैतान। और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उन्हें डराकर भगा दो कैंडी राक्षस। हम उससे नहीं डरने वाले। मॉर्फल, जल्दी से एक बड़े हड्डीधारी रूप में आ जाओ। शायद एक ज़ॉम्बी इसे डरा सकता है मॉर्फल। मैं जानती हूँ कि एक बड़ी सी कैंडी को क्या डरा सकता है मॉर्फल। एक बहुत ही बड़ा डरावना ब्रोकली का टुकड़ा बन जाओ। ओ शैतानी की कसम, मेरी बेचारी कैंडी राक्षस के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हेलो फीबी। नहीं। अभी कौन आया है? बच्चों में बांटने जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी? लगता है कल रात तुमने जरूरत से ज्यादा कैंडी इकट्ठा कर ली थी। जी हाँ। वैसे अच्छी बात ये है कि तुम इसे सारे बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हो। थैंक यू मीला। अरे नहीं मॉर्फल, जल्दी से क्रेन में बदल जाओ। शुक्रिया मीला और मॉर्फल। ब्रिज बन जाओ ताकि ये कार्स वहाँ से इस तरफ आ पाए। ओह, ये गड्ढा कैसे बन गया? देखो ये तो किसी विशाल शार्क का फिन है। जल्दी से एक विशाल स्लाइड बन जाओ। शुक्रिया मीला और मॉर्फल। उन इमारतों को तो देखो। मॉर्फल, जल्दी से क्रेन बन जाओ। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इमारतें उठा दी हैं मॉर्फल। सच में नीचे कितना अंधेरा हुआ पड़ा था।
क्या आप जानते हैं कि ये गड्ढे क्यों बन रहे हैं डैडी? शायद पता है। देखो, वो एक अर्थ शार्क है। मुझे नहीं लगता कि अर्थ शार्क शहर में कुछ बर्बाद करने आई है। वो बस कोई दोस्त ढूंढ रही है। मैं सही कह रहा हूँ ना अर्थ शार्क? मुझे पता है तुम्हारे लिए परफेक्ट दोस्त कौन होगा। ऊपर वाले बचाओ, क्रिसमस तोहफे चुराने वाले डाकुओं ने मेरी टाइम मशीन इस्तेमाल करके अतीत से ट्रैक्स चुरा लिया है। अब हम क्रिसमस के तोहफे चुराने वाले डाकू नहीं हैं, अब हम बन गए हैं डायनो डाकू। मॉर्फल, जल्दी से एक पुलिस कार बन जाओ। अब दिखाओ अपनी ताकत। इस शहर के मालिक हम हैं। अब बताओ, ये शहर तुम्हारा है कि मेरा है? घुटने पर चोट लगी है। मॉर्फल, जल्दी से एक एम्बुलेंस में बदल जाओ। डायनासोर के लिए एक बड़ी सी एम्बुलेंस। मुझे नहीं लगता कि ये इसके लिए काफी होगा। मॉर्फल, जल्दी से क्रेन में बदल जाओ। हाय मिला और मॉर्फल, तुम दोनों के लिए कॉल आया है। ओ, कौन है? मैंने कॉल किया। ओ, आइसक्रीम मैन। मैंने आइसक्रीम का नया यम्मी फ्लेवर ढूंढा है, पर मैं वहाँ से बहुत दूर हूँ और थोड़ी ही आइसक्रीम बची है। ओ नो, आप फिक्र मत कीजिए आइसक्रीम अंकल, हम आपके पास आ रहे हैं। ये तो ऑर्फल है। अगर वो आइसक्रीम अंकल के पास पहले पहुंच गया तो वो सारी आइसक्रीम खा जाएगा। इसका मतलब एक और ऑर्फल भी है।
अरे नहीं, मेरी कार, मेरी पुलिस कार के बिना मैं क्या करूंगा? ओह, हमें ऑफिसर फ्रीज की कार वापस दिलवानी होगी मॉर्फल। हाँ, शुक्रिया मिला और मॉर। शायद औरतों को पता नहीं कि पानी पर सबसे तेज कौन है, पर मुझे पता है। जल्दी से स्पीड बोट बन जाओ। अब हम जंगल में हैं। जल्दी से एक बंदर में बदल जाओ। जंगल में तेजी से नहीं दौड़ सकती ऑर्फल। हमें उस बंदर की मदद करनी होगी। मॉर्फल? अरे नहीं, ये तो ऑर्फल है। ऑर्फल! लगता है ऑर्फल वहाँ पहले पहुँच गया। हाँ, तुमने मेरी सारी आइसक्रीम खा ली। ओह नहीं! हमें देर हो गई मॉर्फल। फिक्र मत करो, मैं तो आइसक्रीम खत्म होने का नाटक कर रहा था ताकि वो यहाँ से चला जाए। तुम दोनों के लिए बहुत सारी आइसक्रीम बची है, तुम्हारे लिए, बंदर महाशय के लिए और मेरे लिए भी। थैंक यू आइसक्रीम अंकल। हेलो आइसक्रीम अंकल, दो आइसक्रीम दीजिए प्लीज। बिल्कुल मीला, कौन सा फ्लेवर चाहिए? सबसे अच्छा फ्लेवर कौन सा है? सबसे अच्छा फ्लेवर? वो तो मेरे पास नहीं है। सबसे अच्छा फ्लेवर मेरे दादाजी ने बनाया था। वो पूरी दुनिया में सफर किया करते थे ताकि एक खास चीज इकट्ठा कर सके। एक इतना मीठा फूल जिससे आइसक्रीम को मिलता था एक बहुत ही बढ़िया स्वाद, पर उनके जाने के बाद मुझे वो फूल मिला ही नहीं, इसीलिए मैंने बनाना बंद कर दिया। हम आपके लिए वो फूल ला सकते हैं। वो कहाँ मिलता है? वही तो मुश्किल है, हर साल वो फूल अलग अलग जगहों पर उगता है। पर मेरे दादा उसके बारे में लिख कर गए हैं, उससे तुम्हें तलाश करने में आसानी होगी। लगता है हमें काफी लंबा सफर करना होगा। मॉर्फल, जल्दी से हेलीकॉप्टर बन जाओ। इन नोट्स के मुताबिक हमें जंगल में जाना चाहिए। मॉर्फल, जल्दी से वहाँ चलो। चलो तुम्हारी नाक का इस्तेमाल करें मॉर्फल, जल्दी से डॉग में बदल जाओ।
पास बेरीज हैं। सावधान रहना होगा मॉर्फल। ओह, लगता है उनके पास शक्कर जैसी कोई चीज है। तलाश जारी रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो फूल इस जंगल में है मॉर्फल। मुझे भी सुगंध आ रही है। कितनी बढ़िया सुगंध है। चलो आइसक्रीम अंकल के पास चलते हैं। बस थोड़ी देर में बन जाएगी। आइसक्रीम। ये लो, सबसे बढ़िया फ्लेवर की आइसक्रीम। वाओ, बहुत ही यम्मी है। वाओ, आइसक्रीम। और दूं? सॉरी मॉफल, उतने फूल से मैं बस उतनी आइसक्रीम बना पाया। पर तुम चम्मच चाट सकते हो। ये। तुम्हें पकड़ ही लेंगे, इसलिए बदमाशियां करना बंद कर दो, ठीक है? काश हमारे पास अपना मॉफल होता। देखो स्टाइन। हे ऑर्फल, एक बढ़िया आइडिया है। ये बंदर कहाँ से आया? मुझे कैमरा वापस दे। कितना बढ़िया आइडिया है ना? अरे, तुम जेल से बाहर कैसे निकले? मेरे शहर में ऐसा नहीं होगा। ओह नो, ये तो ऑफिसर फ्रीज है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्फल, जल्दी से डायनासोर में बदलो। एक टी-रेक्स, भागो! मुझे लगा था तुम और भी बड़े डायनासोर बनोगे। इतना शोर क्यों है? अरे नहीं। तुम कार्स को और ठीक से जमा सकते थे ऑर्फल। जल्दी से एक हेलीकॉप्टर में बदल जाओ। थैंक यू मॉफल। डाकू और उनके बंदर ने मेरा कैमरा वहाँ रखा और भाग गए। डाकू भाग गए? बंदर के साथ? हमें उनका पीछा करना होगा मॉर्फल। डाकुओं ने एक क्रेन की मदद से ये सब किया। उनके पास क्रेन भी है? अजीब बात है। थैंक्स मॉफल। देखो, ओह, वो रहे डाकू और ऑर्फल उनके साथ मिला हुआ है। रुक जाओ डाकुओं। ओह, ये तो मिला और मॉफल है। पर हमारे पास ऑर्फल है। किसी बड़ी चीज में बदल जाओ।
यहाँ तो बैठने के लिए जगह ही नहीं है। वो तुम इतनी जल्दी बदले कि हम फिरने ही वाले थे। संभल कर। तुम और तेज नहीं उड़ सकते क्या? हमारे पास बहुत कम जगह है। हाँ, हमें और जगह चाहिए ऑफर। डाकू बनना बिल्कुल मजेदार नहीं है। देखा, हर वक्त शैतानी करने की यही सजा मिलती है। बदल जाओ। ये क्या? मॉर्फल, फिर से नॉर्मल हो जाओ। फिक्र मत करो, 10 सेकंड में मॉर्फल की जादुई ताकतें वापस आ जाएंगी। ये नली है, ये मेरा नया जादुई पेट है। ये हमारे पेट्स की जादुई ताकतें कुछ देर के लिए छीन लेता है, इसीलिए मैजिक पेट स्टोर में से मैं इसे दूसरे मैजिक पेट्स के साथ नहीं रखता। तुम दोनों प्लीज इस पर नजर रखोगे? बिल्कुल डैडी, हम साथ में लुका छिपी खेल सकते हैं। ओके, बाद में मिलते हैं। सुना तुमने, इस नए जादुई पेट के साथ हम मॉर्फल को हरा सकते हैं। अरे नहीं मॉर्फल, जल्दी से एक बड़ा सा रोबोट बन जाओ। इतनी जल्दी क्या है? कहाँ गए दोनों? ये फ्रिज कुछ ज्यादा ही लाल है, तुम्हें नहीं लगता? देखते हैं। हमने तुम्हें ढूंढ लिया। भागो मॉर्फल। बदल जाओ जिसमें हम छुप सके। मॉर्फल अभी बदल नहीं सकता। अरे नहीं, हमें इंतजार करना होगा। अब बच के कहाँ जाओगे? मॉर्फल चलो जल्दी से तुम्हें। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। आईने में बदल जाओ। अब तुम 10 सेकंड तक जादुई ताकतें इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ओह नो। मॉर्फल, जल्दी से एक विशाल रोबोट बन जाओ। बचाओ, भागो स्टैन, भागो। रोबो फ्रिज की 4 सेटिंग्स हैं। ऑफ, थोड़ा सख्त, सख्त और बहुत ज्यादा सख्त। इस डायल को बहुत ज्यादा सख्त पर कभी भी मत रखना। क्यों नहीं प्रोफेसर? कुछ नहीं होगा, देखते हैं रोबो फ्रीज क्या कर सकता है। तुम काफी अच्छे बच्चे लगते हो। देखते हैं कि ये जुर्म रोक सकता है कि नहीं। डाकुओं ने इतना कोहरा मचा रखा है, ये मेरी काफी मदद कर सकता है। जल्दी से पुलिस कार में बदल जाओ। बढ़िया। अपने डॉग को बांधना मत भूलना। ओह सॉरी ऑफिसर। तुम्हारा आज का दिन शुभ रहे यंग लेडी। ओह थैंक यू।
संभल कर बॉल फूलों में ना चली जाए। मेरे शहर में इसके लिए आपको मिलेगा टिकट। लेकिन मेरी बॉल। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ है। लगता है रोबो फ्रीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। देखो, तुम्हें घास पर चलने के लिए टिकट दिया जाता है। पर मैं घास पर चल भी नहीं रहा था। कोशिश करने वाले थे क्या? हमें डायल को टर्न करना होगा। हाँ। और कोशिश करो मॉफल। हाँ। नहीं, देखो वो रहा। फिर से कोशिश करो मॉफल। मॉफल पकड़ नहीं पा रहा। ये तो नाइंसाफी है। ये सब बंद करना होगा। पर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। इसको हमारे पास आना होगा। जल्दी से मेगाफोन में बदल जाओ। मैं घास पर चलने वाली हूँ। रुक जाओ, तुम्हें टिकट दिया जाता है। यही मौका है मॉफल। शुक्र है, तुमने कर दिखाया मीला और मॉफल। अरे नहीं, शायद दो पीटर फ्रीज जरूरत से ज्यादा हैं।